अंकलेश्वर ओएनजीसी कॉलोनी खाते आवेला केंद्रीय विद्यालय खाते एज्युकेशन पॉलिसी ना 3 वर्ष की उजवणी ना भाग रूपे पत्रकार परिषद योजाई हती, जेमा केंद्रीय विद्यालय ना आचार्य द्वारा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षण नीति अन्वय 21वीं सदी की जरूरियात प्रमाणे व्यापक रीते बहुविध शिक्षण अंगे माहिती पूरी पाडवामां आवी हती। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षण नीति अन्वय 21वीं सदी की जरूरियात प्रमाण व्यापक रीते बहुविध शिक्षण द्वारा वाइब्रंट नॉलेज सोसायटी और ज्ञान महासत्ता में रूपांतरित करने आह्वान भारत वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी कर्यू है, जेना भागरूपे आज एज्युकेशन पॉलिसी 3 वर्ष ने मनावामां आवी रह्युं छे। आ सैलिब्रेशन पॉलिसीनी समझ माटे अंकलेश्वर ओएनजीसी स्थित केंद्रीय विद्यालय खाते पत्रकार परिषदनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां विद्यार्थीओने चीलाचालो गोखणपट्टी अभ्यास करता अने सादी अने समझथी तेमज सांप्रत समय अनुरूप अभ्यास करवा बाबते विद्यार्थी प्रवेश माटे ની ઉંમરનું પુનઃમાળખું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ શિક્ષણશાસ્ત્રીની પ્રકૃતિ અને અભ્યાસક્રમની આવશ્યકતાઓના આધારે પાયાના તબક્કાના 5 વર્ષો, જેમાં પ્રારંભિક સ્ટેજ ધોરણ 3-5 વર્ષની, મિડલ સ્ટેજ અને 4 વર્ષ સેકન્ડરીની ભલામણ કરવામાં આવી છે। રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 કે 3 સાલ કે અંતર્ગત જો સરકાર કે દ્વારા કાર્યક્રમ ચલાએ ગયે, विभिन्न प्रोग्रामों का संचालन किया गया, उसी के उपलक्ष्य में ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वो सभी कार्यक्रमों को लागू कर रहा है जो सरकार के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें मुख्यतः एज लिमिट यानी आयु सीमा क्लास 1 के अंदर वर्ष 5 से वर्ष 6 तक लागू कर दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा प्री प्राइमरी एजुकेशन बाल वाटिका, जिसको सभी केंद्रीय विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। आज करीबन 450 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका हेतु प्रवेश चालू है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी पहलुओं और तकनीकी प्रावधानों को लागू किया जा रहा है, जिसमें ई क्लासरूम, अटल टिंकरिंग लैब, दीक्षा पोर्टल, स्वयं चैनल्स और अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें जो भी निर्देश प्राप्त होता है, हम उसी के अनुसार सभी प्रोग्राम्स को लागू कर रहे हैं और आगे भी हम लागू करते रहेंगे।